आज तो भोले शंकर मुझे अकेले मिल गए। सुबह सुबह देखिए कोई भी नहीं है मंदिर में, पंडित जी भी नहीं है, हनुमान जी, दुर्गा जी सब अकेले हैं मुझे प्यार करने के लिए। देखिए श्री कृष्ण, राधा जी, श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, माँ लक्ष्मी, विष्णु जी, गणपति, गणेश, पूरा मंदिर मेरे लिए खाली है। देखिए मेरे लिए पूरा मंदिर खाली है। भगवान जी कितना अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। वाओ, भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया, भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया। आज आप भी दर्शन कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो आपने मेरी खुशी देखी यह क्षण भर की थी। मैं आज बहुत ही जल्दी उठी और मंदिर जाने की तैयारी में लग गई। मेरा मन था आज भगवान जी के साथ एक सेल्फी लूंगी। फिर मन में विचार आया कि आज तो मंदिर लबालब भरा होगा, पैर रखने की जगह ही नहीं मिलेगी। यह सोचते सोचते मैं मंदिर पहुँची। पहले तो मैं बहुत खुश हुई जैसा कि आपने, लेकिन अचानक ही मैं एकदम से उदास हो गई। मुझे ऐसा लगा भगवान जी मुझे कह रहे हैं कि तुझे समय मिल गया मेरे पास आने का, मैं अभी तक भूखा प्यासा बैठा हूँ। मुझे बहुत लज्जा भी आई। 7:30 बजे का टाइम है और सावन का पहला सोमवार और महादेव का शिवालय एकदम सूखा। जरा सोचिए हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। हमें आगे की पीढ़ी को जागृत करना पड़ेगा। और यह बहुत ही मतलब मुझे खराब सा लग रहा था कि पूरा मंदिर सुनसान है। पहले थोड़ी सी खुशी ज़रूर हुई, लेकिन बाद में मुझे बहुत लज्जित सा फील, मैं बहुत लज्जित फील कर रही थी कि हम देखिए अपनी दुनियादारी में इतने बिजी हैं कि हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम नहीं है अपने महादेव से मिलने का। तो बस यही मेरी फीलिंग्स थी सुबह सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी, यही सोचते हुए आ रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत बहुत विचित्र अनुभव था ये मेरा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। थैंक यू।